Speaking at a function to celebrate the 113th birth anniversary of political leader and social activist Jayaprakash Narayan, Prime Minister Narendra Modi today hailed Narayan for his immense contribution in restoring democratic values in the nation during the time of emergency. The PM also said it was during the emergency period between 1975 and 1977 that a new generation of political leaders was born. आपातकाल ने नुकसान बहुत किया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा को एक गहरा धक्का लगा दिया, लेकिन कभी कभी अकस्मातों में से भी अच्छाइयां जन्म लेती है। जेपी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, भ्रष्टाचार खिलाफ का जंग, इमरजेंसी के खिलाफ का जंग, आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। आज हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में जो लोग दिखते हैं उसमें से अधिकतम वो लोग हैं जिनको उस आपातकाल के संघर्ष की कोख में से पैदा होने का अवसर मिला था कि इतनी बड़ी जंजीरों के बीच भी, इतने जुल्म के बीच भी एक पूरी नई राजनीतिक जनरेशन पैदा हुई देश में। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो राजनीतिक जनरेशन लोकतांत्रिक मूल्यों के रखवाले के रूप में पैदा हुई। मैं समझता हूं ये देश के लिए उस असर में कुछ सकारात्मक परिणाम निकालने का ताकत जयप्रकाश नारायण जी में थी, वो प्रेरणा थी जो लोगों को इस प्रकार से तैयार करते थे। पावर्ड बाय NNIS।